नहीं, मैं ले रहा हूँ, मेरे लिए ले रहा हूँ। देखो मैं दिख रहा हूँ कि नहीं। सो भाई लोग अभी देखो हमारी एंट्री हो गई है। एक्चुअली क्या हुआ कि भाई ये दादा मिले तो इनके दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, कभी भी आप तिरुपति आते हैं आप अपना पास लेके ही आइए, अन्यथा आप दर्शन आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। ये सर लोगों की वजह से हमारा आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतने सारे भाई लोग हैं और मेन मंदिर बिल्कुल सामने दिख रहा है, देखो बिल्कुल सामने। तो अभी हम लोगों को जाना है बिल्कुल आगे, आगे से बिल्कुल राइट होके हम लोग लाइन लगाएंगे और फिर हम लोग अपना जो भी लगेज है चाहे जो भी चीज़ हम जमा करना चाहें वो जमा करेंगे। चलो भाई तब तक कुछ लेवल जी। तो गाइस ये है सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली वेटिंग हॉल है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे लोग भाई बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। जो दर्शन हो गया और जिनको अभी दर्शन करना है वो यहाँ पे वेटिंग करेंगे, जब उसका समय आएगा तो फिर दर्शन के लिए यहाँ से निकल जाएंगे, ऐसा है। देखिए भाई टकले होने में तो गाइस हम लोग 8 घंटे में टकले हो जाएंगे, फिर टकले के बाद आपको दिखाएंगे कि हम लोग टकले पे कैसे दिख रहे हैं। वैसे अजीब तो लगती है लेकिन अच्छे दिखेंगे, लेकिन अच्छे लगे, आप अच्छे लगेंगे, हम भी अच्छे लगेंगे, सही है ना। गाइस ये दुकानें देख के आपको लग रहा है कि हम लोग मतलब दर्शन करने के लिए 35 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे आए हैं। क्या लेंगे? बहुत ज़्यादा है यार, है ना। तो गाइस हम लोग ना सोच रहे हैं कैप वैप ले लें ताकि हम लोग टकले हो ना तो उतना बुरा दिखे ना। कन्फ्यूज है भाई जुगेशा। अरे भाई यार ऐसे टेंशन ना दो यार, बहुत टेंशन हो जा रहा है भाई, ऐसे मत करो। बहुत सारी वैरायटी है भाई कैप की जी, चूज कीजिए आप, पसंद कीजिए। मैं ले रहा हूँ, मेरे लिए ले रहा हूँ। देखो मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, आप भी दिख रहे हो, देखो दिख रहे हो ना। संजय बोलो। हाँ तो भाई लोग इतना जाइए। तो भाई लोग क्या हुआ कि अभी हम लोग कैब ले रहे थे, भाई साहब कैब का रेट सुन के हम लोगों ना लेना ही बंद कर दिया। हम लोग छोड़ दिए कि नहीं कैब लगाना नहीं है, भाई साहब को हम अपना रुमाल दूंगा बांधने के लिए, नीचे जाके हम लोग क्या कह रहे हैं बताइए। 400 का यार, 350-400 के समथिंग भाई, एक कैब इतनी भी अच्छी नहीं है कैब की मतलब इतने सारे पैसे दे सकते। नहीं भाई सीधा काम करेंगे कि लेंगे जाके नीचे डायरेक्ट, ऊपर नहीं लेंगे अभी, ऐसा करूँगा हम। तो अब प्लान चेंज हो गया हमारा, निकल गए हैं लाइन लगाने के लिए अंदर। इधर से अब हम लोग जी नीचे जाएंगे, उसके बाद लाइन रहेगी तो लाइन के पीछे पीछे हम लोग भी लाइन में खड़े होंगे और उसके बाद जो भी होगा सो देखा जाएगा भगवान का दर्शन कब तक हो पाता है। हालांकि डिलीवरी काउंटर लगेज फ्री यार, यहाँ पे भी लगेज देख रहे हैं यार, अब हमको टेंशन होता जा रहा है, क्या बताया जाए। तो भाई सभी एक ही हाँ लोचा हो गया कि हम लोग पास नहीं लिए थे, 300 रुपये का पास है एक्चुअली, और ये जो अभी जा रहे हैं ना ये सारे पास वाले हैं, और अभी विदाउट जो पास हैं वो अभी एंट्री नहीं है, उनका एंट्री अलाउड नहीं है। तो अभी हम लोग देखते हैं भाई, कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम लोग को बहुत वेट करना पड़ेगा। देखो गाइस पास देख रहे हैं, तो जो पास लिए हैं उनको ही एंट्री है अभी। देखो हमारी एंट्री हो गई है। एक्चुअली क्या हुआ कि भाई ये दादा मिले तो इनके पास एक्चुअली एक्स्ट्रा था, तो इनके पास जो मतलब भाई लोग आने वाले थे एक्चुअली इंजर्ड हो गए हैं तो आए नहीं, तो उनके जगह पे हम लोग दोनों लोगों ने
एंट्री कर ली है इनके साथ में, और चलो भाई अंदर थोड़ा चेकिंग होगा तो उस पर ज़रा अवेयर रहना है हमको। लेकिन कोई नहीं भाई, हाथ दर्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। भाई लोग अभी हम लोग लाइन में हैं और अभी हम लोग नाम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि दादा के साथ और भी तीन लोग थे जो कि इनकी टीम है एक्चुअली, आ रही है दर्शन के लिए। तो तीन लोग ना इंजर्ड हुए हैं तो वो आए नहीं हैं। तो दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, कभी भी आप तिरुपति आते हैं आप अपना पास लेके ही आइए, अन्यथा आप दर्शन आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि कभी भी आप आएँ तिरुपति दर्शन के लिए तो पास लेके ही आइए, क्यों दादा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी जैसे कि मेरे को हो रही है। ये तो फॉर्चुनेटली हमें दादा मिले कि मतलब ऐसा हुआ हमारी एंट्री, अभी भी आगे सस्पेंस है लेकिन देखते हैं, कोई नहीं। तो गाइस देख रहे हैं एंट्री करने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ रहा है। तो बड़ी सौभाग्य की बात है यार, ये टोपी सबको नहीं मिलती है और मुझे मिली है तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और कोशिश करूँगा, ऊपर वाला से प्रार्थना करूँगा कि एंट्री हो जाए ना, हमारे आदमी का भाई सर के द्वारा हमें एंट्री मिल रही है और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सर की हमारी एंट्री हो जाए। तो नहीं नहीं, क्या हुआ, तुम देव जैसा देवदूत के जैसा वो तुम आया इसलिए तुम्हारा नंबर लग गया। थैंक यू सर। गाइस लाइन देखिए अभी कितना लंबी लाइन है, अभी हम लोग आधे घंटे के समथिंग बैठे थे और अब जाके हमारी लाइन चली है। लेकिन चलो देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है। सो गाइस फाइनली हमारा दर्शन हो गया और अभी हम लोग लगेज लेने के लिए आए थे अपना। जी सर चलिए। अरे सर लोगों की वजह से हमारा आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तो अभी चलेंगे, अभी उधर किसी मिला तुम्हारा? हाँ है ना, चप्पल चप्पल उधर आगे लेना है। चलिए ये भी टकला भी करना है ना। हाँ, टकला इधर ही करना है। अच्छा इसमें इसके अंदर ओके ओके, उधर टिकट निकालने का एक नंबर पे। हाँ और बाद में वो टिकट कूपन जाएगा ना ओके, वो वाल पे जाएंगे। जी 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 ऐसे ही। 8:45 के समथिंग हम लोग का दर्शन हुआ है और अभी हम लोग बाहर निकले हैं सारे लोग। सर लोग आए थे भाई पुणे से, तो इनके साथ हमारा क्या हुआ, हमारा एक्चुअली पास नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पास एक महीने डेढ़ महीने पहले लेना पड़ता है यहाँ। अगर आपको मतलब पास लेके आते हैं तो आपको एंट्री दी जाएगी, अगर नॉन पास आते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बस यही होती है। तो भाई अभी तो दर्शन हो गया, ये हमारा सौभाग्य था कि दर्शन हुआ और बहुत अच्छा। तो भाई ऐसा कुछ था हमारा मतलब, और भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि अभी बहुत खुशी है कि हम बयां नहीं कर सकते, इतना खुशी हो रहा है क्योंकि आज नए साल के दिन ही हम लोग आए थे और नए साल के दिन में ही हमें, इसी दिन में ही हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग दर्शन कर पाए। और सर लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इनके साथ हमें ये चीज़ें मिली। और यहाँ से गाइस देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये देख। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं उस सेक्शन में जहाँ पर हम लोगों को टकला होना है भाई, और बहुत भाई जल्दी जाना है भाई क्योंकि इसी के लिए तो प्रॉपर लोग आते हैं भाई, दर्शन करते हैं तो बाल जब तक नहीं देते हैं तब तक यहाँ का एक तरीके से देखा जाए तो भाई आपका दर्शन अनकम्प्लीट रहेगा। तो आप जब भी दर्शन करने आते हैं तो भाई बाल जरूर यहाँ पे टकले होंगे। तो यहाँ पे अभी देखो जुगेश जल्दी जल्दी जा रहे हैं भाई अभी बाल भी अंदर हमारे हैं